स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, युवाओं के साथ नाइंसाफी बंद करो। देखिए आज अब यहाँ पर जो बच्चे हमारे बटालियन फोर्स के लिए जो आवेदक हैं वो सारे आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। शिवसेना बिल्कुल इनकी मांगों के हक के लिए इनके साथ खड़ी है। देखिए लगातार केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों की बौछार होगी, मगर कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि नौकरशाही इनके दावों को पुख्ता साबित करने के लिए अड़े हुए हैं, इनके दावों को खोखला साबित करने की उन्होंने कसम खा रखी है। देखिए 2018 के अंदर माननीय राजनाथ सिंह जी जो उस समय रक्षा मंत्री थे, पीएमओ हाउस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर पीएमओ हाउस के अंदर मंत्री थे, उन्होंने इन तमाम बच्चों के साथ जो सीमावर्ती इलाकों से आते हैं इनके साथ वादा किया गया था एक बटालियन फोर्स का गठन किया जाएगा और इनको उसके अंदर रोजगार के अवसर मिलेंगे। उसी वादे को अमली जामा पहनाते हुए मार्च 2019 को एक ऑर्डर निकाला जाता है, एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है जिसके तहत ये तमाम बच्चे आवेदन करते हैं, एक साल के अंदर इनकी शारीरिक परीक्षा भी ली जाती है और इनको रिटर्न के अंदर लिखित परीक्षा के लिए आश्वासन दिया जाता है अगस्त 2021 को, मगर 3 साल बीतने के बावजूद भी इनकी लिखित परीक्षा नहीं ली जाती। इनको शौक तब लगता है, इनको अपना नाइंसाफी तब दिखाई दी जब एकदम 11 जनवरी 2022 को एक नया ऑर्डर फ्लोट कर दिया जाता है, एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है जिसके तहत दोबारा से बटालियन फोर्स के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। ये बच्चों के हक पर बिहाफ पर मैं पूछना चाहता हूँ कि इन बच्चों के जो लगातार पिछले 3 साल खराब हुए, जो 3 सालों से ये अपनी नौकरी के सपने संजोए हुए इंतजार कर रहे हैं, ये इनके साथ नाइंसाफी है। हमने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से रिक्वेस्ट भेजी है मिलने के लिए, उनको मेमोरेंडम सबमिट करना है हमने। इसके अंदर साफ तौर पर हमारी मांग है, इन बच्चों की मांग है कि नई अधिसूचना जो निकाली गई है उसको रद्द किया जाए, पुरानी अधिसूचना को अंजाम देते हुए जो इनकी शारीरिक परीक्षा हुई थी उसके तहत इनकी लिखित परीक्षा ली जाए। और श्री 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 अलजी साहब अस थोड़ा अग्गे प्रार्थना करने हैं कि साढ़ा जरा रिटर्न है जल्दी कोला जल्दी रहो और अस थोड़े अग्गे हाथ जोड़िए बेनती करने हैं। अलजी साहब सानू थोड़े पर पूरी उम्मीद अलजी साहब 15 तरीक प्रोटेस्ट किया हा, तुसें साड़ी नहीं मनी, आखिर तुसें साढ़े बारे भी सोचो, अस भी थोड़े बच्चे आह्ले लेखे हैं। अलजी साहब साढ़े कन्नै तुस अन्याय नहीं करो, सानू इंसाफ दो और अलजी साहब अज साड़ी जिन तक साड़ी नहीं मनोग इन तक अस नहीं जाना है। अलजी साहब अस थोड़े अग्गे प्रार्थना करने हैं, हत्थ जोड़ियै प्रार्थना करने आ कि साड़ी जल्दी कोला जल्दी सुनो, साड़ा रिटर्न लाओ और असें थोड़े कोला कख नहीं चाहिए, एक छोटी डिमांड है साड़ी और असें थोड़े कोला कख नहीं चाहिए। जेके भी बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं, हम एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, साहब हमने 15 जनवरी को भी एक पीसफुली प्रोटेस्ट किया था, हमने आपको कम से कम 10-15 दिन का टाइम दिया था कि हमारे बारे में सोचो, लेकिन आपने हमारे बारे में सोचा ही नहीं। एक दिन कल परसों आपने वुमेन्स के लिए लड़कियों के लिए 15% रिजर्वेशन रखी, अच्छी बात है, लेकिन जो इधर जो लड़कियां आ रही हैं क्या इनको आप लड़की नहीं मानते, क्या ये देश की बेटियां नहीं हैं, कम से कम इनका भी सोचो। 3 साल से हो गया, पहले तो कोरोना ने मार दिया, अब हमें सरकार मार रही है, हम कहाँ जाएंगे, हम इधर बेरोजगार फिर रहे हैं, ओवरेज हो गए हैं, हमारी कौन सुनेगा।